हेलो गाइस सो टुडे वी आर गोइंग टू सी फोर्स वर्क एंड एनर्जी सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द फोर्स व्हाट इज फोर्स क्या होता है अ फोर्स इज़ अ पुश और अ पुल टू मेक समथिंग मूव टर्न और अ बैंड पुश एक होता है जिसको हम पुश करते हैं खींचते हैं पुल करते हैं धक्का देते हैं समथिंग जिसकी वजह से वो मूव करे टर्न करे या फिर बैंड करे एन ऑब्जेक्ट डेट An object that is not moving will stay at rest unless force is applied to it. कोई ऑब्जेक्ट जब तक वो मूव नहीं कर रहा एक जगह पे रेस्ट पे है, जब तक उस पर फोर्स अप्लाई नहीं होती हम मतलब उसको धक्का या उसको नहीं हिलाते फॉर एग्जाम्पल अ टेनिस बॉल विल नॉट मूव अनलेस इट इज़ पुश टेनिस की जो बॉल है वो कब तक मूव नहीं करती जब तक हम उसको पुश नहीं करते बॉन्स नहीं करते या फिर थ्रो नहीं करते मतलब फेंकते नहीं हैं वंस अ बॉडी इज मूविंग इट अगेन रिक्वायर अ फोर्स टू स्टॉप इज अगर कोई चीज़ है अगर वो हिलना शुरू कर देती है लाइक बॉल को हम धक्का दे रहे हैं तो वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे उसको रोकने के लिए ऑल्सो द हैवियर एन ऑब्जेक्ट द मोर द फोर्स रिक्वायर और जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा ऑब्वियसली उतनी फोर्स लगेगी उसको मूव करने में इट इज़ इजी टू मूव एन एमटी ट्रॉली एंड टू स्टॉप इट अब बहुत ईजी होगा कोई खाली ट्रॉली हो उसको मूव करना और उसको रोकना हाउ एवर वैन वी प्लेस हैवी पैकेज इन द सेम ट्रॉली इट बिकम डिफिकल्ट टू गेट इट स्टार्ट मूविंग और टू स्टॉप इट वंस इट स्टार्ट मूविंग और अगर हम उस पर कोई हैवी पैकेज रख देते हैं तो उस सेम ट्रॉली को मूव करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा और उसको स्टॉप करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा इन अनदर वर्ल्ड एज मास इंक्रीज ग्रेटर फोर्सेज रिक्वायर्ड टू गेट एन ऑब्जेक्ट टू मूव और टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट इन दैट इन इज़ इन मोशन तो हम कह सकते हैं कि अगर देखो हमने उसके ऊपर हैवी पैकेज रखा तो उसका मास इंक्रीज़ हो गया ठीक है जितना मास इंक्रीज़ होगा उतनी ग्रेटर उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगेगी उस ऑब्जेक्ट को मूव करने में या फिर स्टॉप करने में किस में से मोशन में से मोशन मतलब उस ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को रोकने में से या फिर स्टॉप करने में फोर्स कैन बी फोर्स कैसे मूव एन ऑब्जेक्ट मूव करने में स्टॉप करने में चेंज डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करने में और चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट उसकी शेप को चेंज करने में लगती है ठीक है टाइप ऑफ फोर्स कौन से टाइप के फोर्स होते हैं देयर आर मैनी काइंड ऑफ फोर्स विच परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क सम ऑफ दैमा मस्कुलर फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स होता है एंड द मैग्नेटिक फोर्स होता है सबसे पहले हम देखते हैं फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है फ्रिक्शन इज अ फोर्स बिटवीन टू सर्फेस इन कॉन्टैक्ट और टू सर्फेस डेट आर ट्राइंग टू स्लाइड अक्रॉस अगेंस्ट वन एन अदर सर्फेस फ्रिक्शन कौन सा फोर्स होता है कि जो दो सर्फेस हैं वो दोनों कॉन्टैक्ट में हैं और टू सर्फेसिस डेट आर मतलब स्लाइड कर रहे हैं आपस में वो अक्रॉस अगेंस्ट वन एक दूसरे के सामने फ्रिक्शन टाइम्स टू स्टॉप टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट फ्रॉम मूविंग फ्रिक्शन जो है वो स्टॉप करता है दो सरफेस को कॉन्टेक्ट में आने से फ्रॉम मूविंग रफ सर्फेस ऑफ अ ग्रेटर फ्रिक्शन दैन स्मूथ वन जो रफ सर्फेस है वो ग्रेटर फ्रिक्शन देता है दैन स्मूथ वन से If there is no friction between the ground and the soles of our shoes, we could not be able to move. अगर हमार हमारे ग्राउंड में और हम जो शूज़ पहन रखें उसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम मूव नहीं कर पाएंगे वॉक नहीं कर पाएंगे ठीक है We would uh, keep slipping and the falling और जिसकी वजह से हम गिरते रहेंगे और फॉल uh, fall, मतलब फॉलिंग मतलब गिरते रहेंगे फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन फ्रिक्शन हमेशा वर्क करता है अपोजिट किसके डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ मोशन के एज अ रिजल्ट इज स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट जिसकी वजह से वो स्लो कर देता है मूविंग ऑब्जेक्ट को नेक्स्ट हम देखते हैं कि ग्रेविटी क्या होता है ग्रेविटी व्हेन वी होल्ड अ पेंसिल एंड देन ड्रॉप इट अगर हमने कोई पेंसिल को पकड़ रखा है और वो देन ड्रॉप इट और वो गिर जाती है इट फॉल्स टू द ग्राउंड ऑब्वियसली वो ग्राउंड पे गिरेगी फॉर द पेंसिल टू फॉल डाउनवर्ड्स देयर एज अ फोर्स पुलिंग इट टू टू द ग्राउंड अब वो ग्राउंड पे ही क्यों गिर रही है नीचे ही क्यों गिर रही है फॉर द पेंसिल फॉल डाउनवर्ड्स एक फोर्स होती है देयर हैज बीन अ फोर्स पुलिंग जो उसको नीचे की तरफ खींचती है We can feel this force when we hold an object in our hand. This is known as weight. हम इस फोर्स को कब फील कर सकते हैं अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रखा है हाथों में जिसको हम कहते हैं वेट जो कि न्यूटन सर एज एन इंग्लिश साइंटिस्ट थे वो वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर वाई थिंग्स एव वेट एंड फॉल टू द अर्थ जिन्होंने सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था कि जो वेट वाली चीज़ है वो नीचे ही आके क्यों गिरते हैं जैसे हमने कहानी सुनी थी ना कि एप्पल जो है वो पेड़ के नीचे बैठे थे एक एप्पल आकर गिरा था तो वो नीचे ही आकर क्यों गिरा था इट इज़ सेट दैट आफ्टर सीनिंग एन एप्पल फॉल फ्रॉम द ट्री उन्होंने Uh, जब देखा कि एप्पल जो है वो ट्री से नीचे आके गिरा है ही बिगन थिंकिंग उन्होंने सोचना शुरू कर दिया अबाउट वाई दिस शुड हैपन कि ऐसा ही क्यों हुआ हिस एक्सप्लेनेशन वॉज दैट द अर्थ एंड द एप्पल अट्रैक्ट ईच अदर उनकी एक्सप्लेनेशन दी कि जो अर्थ है और जो एप्पल है वो अट्रैक्ट कि अर्थ और जो एप्पल है वो अट्रैक्ट ईच अदर करते हैं द अर्थ बींग सो लार्ज जो अर्थ है वो बहुत बड़ी है इज नॉट अफेक्टेड बाय द पुल ऑफ द एप्पल कि वो एक एप्पल अगर आ, को अपनी तरफ खींच रहे हैं तो उससे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा अर्थ पे हाउ एवर द एप्पल बींग स्मॉलर जो एप्पल है वो बहुत छोटा है इज पुल टूवर्ड्स द अर्थ कि वो उसकी तरफ खींच सकता है द फोर्स अट्रैक्टिंग दीज थिंग्स थ्रू स्पेस इज नोन एज ग्रेविटी जो कि चीज़ जो अट्रैक्ट अपनी तरफ खींचती है फोर्स कहाँ पर स्पेस पे उसको हम कहते हैं ग्रेविटी ग्रेविटी इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स दैट एक्ट बिटवीन द ऑल ऑब्जेक्ट ग्रेविटी वो अट्रैक्टिव फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है इट इज इट इज दिस फोर्स दैट होल्ड एवरीथिंग टू द अर्थ सर्फेस एंड कॉज कॉसडेम टू हैव वे फोर्स होती है जो कि हर चीज़ को किधर की तरफ खींचे अर्थ सरफेस की तरफ खींचे इफ देयर हैड नो हैड बीन नो ग्रेविटी ऑल ऑफ अस वुड हैव बीन फ्लोटिंग इन अ स्पेस अगर कोई भी ग्रेविटी नहीं होगी तो जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी हवा में उड़ेंगी क्योंकि कोई आ, क्योंकि जो ग्रेविटी फोर्स है वही तो अर्थ की तरफ खींचते हैं जिसकी वजह से चीज़ें नीचे आके गिरती है अगर ग्रेविटी फोर्स ही नहीं होगी, तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें हवा में उड़ेंगी द फर्दर वी मूव अवे फ्रॉम द अर्थ द पुल ऑफ ग्रेविटी रिड्यूस जितना हम अर्थ से Uh, दूर जाएंगे उतना जो ग्रेविटी की फोर्स होगी खींचने की वो कम होती रहेगी द मोर मास समथिंग हैज द मोर इट इज पुल टूव द अर्थ बाय ग्रेविटी जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा uh, वो उतनी ज्यादा ग्रेविट uh, अर्थ की तरफ खींचेगी एंड देर ग्रेटर ग्रेटर इट्स वेट जिसका वेट uh, जिसकी वजह से उसका ज्यादा होगा नेक्स्ट इज वर्क एन सिंपल मशीन सो सबसे पहले देखते हैं वर्क इज सेट टू बी डन वैन एवर अ फोर्स हैव समथिंग वर्क कब माना जाएगा जब कोई भी उस पर फोर्स लग रही होगी ठीक है जिसकी वजह से वो मूव कर रहा होगा अब मशीन इज अ डिवाइस डेट मेक वर्क इजियर फॉर अस मशीन क्या डिवाइस होता है मशीन की डेफिनेशन कर सकते हैं जो कि डिवाइस uh, होता है जो कि इंसान का वर्क काम करने में ईजी कर देता है मशीन कैन भी सिंपल होती है और कॉम्प्लेक्स होती है कॉम्प्लेक्स मशीन यूजुअली कंटेन कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिंपल मशीन अब कॉम्प्लेक्स जो मशीन होती है वो कॉम्बिनेशन किसका कंटेन करती है सिंपल मशीन का ऑब्वियसली ठीक है द फाइव सिंपल मशीन आर कौन कौन से हैं फाइव सिंपल मशीन इंक्लाइन पुली लेवर स्क्रू एंड व्हील एंड एल एक्सेल तो सबसे पहले हम देखते हैं इंक्लाइन प्लेन कौन सा होता है इंक्लाइन प्लेन इज अ फ्लैट सपोर्टिंग सरफेस होता है जो कि हम देख रहे हैं टिल्ड होता है एट एन एंगल में विथ वन एंड हायर दैट अदर ही एक पॉइंट पे हायर होता है एक पॉइंट पे लोअर होता है इट इज़ यूज एज एन एड ऑफ फ्रेजिंग लोअरिंग लोड इसकी वजह से हम लोड को ऊपर ले जा सकते हैं नीचे ला सकते हैं ये इसलिए यूज होता है नेक्स्ट होता है हमारा पुली पुली क्या होता है पुली इज अ मशीन कंटे कंसिस्टिंग ऑफ अ व्हील होता है उसमें विच इज डिज़ाइन टू हैव अ रोप पासिंग अराउंड इट जिस जिसकी वजह से एक रोप उससे पास होती है अब पुली अनेबल अस टू लिफ्ट हैवी वेट बाय पुलिंग द रोप टू वर्स ये किस लिए होता है कि हम हैवी वेट उठा सकें जब हम रस्सी को खींचेंगे उससे इट इज़ अ मस्ट ईजियर टू लिफ्ट समथिंग हैवी ये ईजी हो जाता है कुछ बाहरी चीज़ को लिफ्ट करना उठाना सच अ कार मशीन जैसे कि कार मशीन में देखा होगा बाई पुलिंग इट डाउनवर्स टूवर्ड्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कि हमें जब उसको नीचे ले जाना होता है किसकी वजह से जाती है बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑल्सो एट डाउनवर्स एंड हेल्प एड द बॉडी वेट टू पुलिंग फोर्स ठीक है अ लिवर इज अ सिंपल मशीन कंसिस्टिंग ऑफ अ बीन बीन उट नेल है, है, uh, uh, जो की एक हैमर होता है उससे हम uh, एक कील को जो है उससे हम कील को, को खींच सकते हैं तो उसको कहते हैं इज एन एग्जाम्पल ऑफ वो किसका एग्जाम्पल है लिवर का ठीक है नेक्स्ट है स्क्रू स्क्रू इज एन इंक्लाइन प्लेन होता है अराउंड द पोल जैसे कि ये मान लो पोल है तो इसके चारों तरफ क्या है इंक्लाइन प्लेन है रेबड अराउंड पोल ठीक है सम सिंपल एग्जांपल इंक्लूड वुड हो गया एंड द मेटल स्क्रू हो गया एंड द स्क्रू ऑन जार स्क्रू ऑन द जार हम देख सकते हैं एंड द बॉटल्स पे भी ऐसे होता है एट द टॉप पे होता है ठीक है द व्हील एन द एक्सल मेक इट पॉसिबल टू मूव हैवी लोड ईजिल दिस इज बिकॉज फ्रिक्शन इज लेस बिटवीन द व्हील्स एंड द ग्राउंड हम ये देखते हैं कि इसमें कोई भारी चीज़ ले जाते हैं ये ईजी होता है हैवी लोड उठाने के लिए क्यों क्योंकि बिकॉज जो फ्रिक्शन होता है वो कम होता है किस किस के बीच में व्हील के बीच में और द ग्राउंड के बीच में नेक्स्ट हम आता होता है एनर्जी एनर्जी क्या होती है एनर्जी मीन्स कैपेसिटी टू डू वर्क एनर्जी कोई भी चीज़ होती है जिसकी वजह से हम काम कर सकते हैं उसको हम एनर्जी कहते हैं फॉर एग्जाम्पल टू यूज़ आर आर्म टू लिफ्ट थिंग्स वी नीड टू हैव एनर्जी इन आर मसल्स इन आर आर्म हमें अगर कोई भी भारी चीज़ उठानी है तो उसकी वजह से हमें कहाँ एनर्जी चाहिए हमारी मसल्स में एनर्जी चाहिए और हमारी आर्म्स में एनर्जी चाहिए ठीक है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कितने तरीके के होते हैं दे आर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जैसे स्लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी हाउ एवर ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर नीदर या तो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी होती है वो सारी एनर्जी है पॉलिटिकल सॉरी पोटेंशियल एनर्जी होती है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है काइनेटिक एनर्जी एनर्जी विद इन अ मूविंग ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें हमारी कौन सी एनर्जी लग रही है काइनेटिक एनर्जी लग रही है एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है कोई मोशन uh, में नहीं है उसको हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहते हैं ड्यू टू इट्स पोजिशन थिंग्स एट रेस्ट हैव पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने देखा कि जो थिंग्स खड़ी हुई हैं एट रेस्ट पोजिशन पे हैं उनमें क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है बट वंस दे बिगेन टू मूव बट एक बार उन्होंने चलना शुरू कर दिया द एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी बन जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर स्टेट एट द हाइट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी अगर वाटर कोई स्टोर uh, है हाइट uh, पर तो वो क्या हो होगा पोटेंशियल एनर्जी और कोई वाटर जो है वो बहता जा रहा है बहता जा रहा है फ्लोट कर रहा है तो उसमें क्या होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी सोलर एनर्जी क्या होता है द एनर्जी डेट वी रिसीव फ्रॉम द सन इज नोन एज सोलर एनर्जी कोई भी एनर्जी जो हमें सन से मिल रही है उसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं द सन्स एनर्जी रीचेज इन द फॉर्म ऑफ द लाइट एंड द हीट की फॉर्म में आती है केमिकल एनर्जी क्या होती है केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस लाइक फूड एंड द फ्यूल केमिकल एनर्जी किस कैसे स्टोर करी जाती है इन द पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस कौन कौन से लाइक फूड एंड द फ्यूल द केमिकल एनर्जी इन द फूड ईट कैसे होती है जो फूड हम खाते हैं अलाउ अस टू मूव उसकी वजह से हम मूव कर सकते हैं उसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है ठीक है और फ्यूल में फ्यूल सच एस पेट्रोल और गैस आर बर्न दे प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द हीट अगर हम किसी चीज को हमें जलाना है तो हम कहते हैं ना हम पेट्रोल डाल दो या डाल दो जिसकी वजह से वो बर्न होती है और उसको एनर्जी मिलती है किस चीज़ की एनर्जी मिलती है उसको हीट की एनर्जी मिलती है साउंड एनर्जी क्या होता है साउंड इज ए अन फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट इज ट्रांसफॉर्म फॉर्म अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट एंड कैरेट द एयर टू आर एयर्स साउंड एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है जो अगर हम मैं बोल रही हूँ तो वो आवाज़ के सामने वाले के कान तक जा रही है उसमें जो एनर्जी लगती है कैसे होता है वाइब्रेटिंग के थ्रू होता है मतलब ये धीरे धीरे ऐसे पास गई फिर इसके पास गई इसके पास गई धीरे धीरे जाती है कैरिट थ्रू द एयर एयर के थ्रू जाती है हमारे कानों में वी कैन मेक साउंड बाय मेकिंग थिंगस वाइब्रेट हमें साउंड कैसे मतलब हम साउंड को कैसे आती है हम देखो किसी चीज़ को बहुत तेज़ तेज़ वाइब्रेट कर रहा है बहुत तेज़ तेज़ हिल रहा है तो उसमें बहुत तेज़ आवाज़ आने लगती है ना वाइब्रेशन की तो वाइब्रेशन मीन शेकिंग मतलब हिलाना अप एंड द डाउन ऊपर की तरफ नीचे की तरफ बैकवर्ड की तरफ एंड द फॉरवर्ड की तरफ वेरी फास्ट ठीक है देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड होती है देर आर हाई साउंड लो साउंड होती है हाई साउंड आर मेड फास्ट वाइब्रेशन हाई साउंड की वजह से फास्ट वाइब्रेशन होती है और लो साउंड की वजह से धीरे वाइब्रेशन होती है ठीक है विंड एनर्जी क्या होता है द एयर दैट मूव्स इज नोन एज विंड जो एयर है जो मूव कर रही है उसको हम कहते हैं विंड विंड कैन टेक द फॉर्म ऑफ द जेंटल ब्रीज और अ डिस्ट्रक्टिव गे तो जो विंड जो होती है हमारी कौन कौन सी फॉर्म होती है एक तो धीरे हवा चलती है और एक आंधी चलती है ना उसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव गेव वी कैन यूज वन टू ट्रांसपोर्ट अस फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस ठीक है हम uh, कैसे यूज करते हैं किसी चीज़ को हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पहुँचाना फॉर एग्जाम्पल बाय यूजिंग हैंग ग्लाइडर और याक हैंग ग्लाइडर क्या होता है जो चीज़ हवा में उड़ते हैं ना लाइक पैराशूट या कुछ भी होता है एंड याक क्या होता है शिप वी ऑल्सो यूज विन एनर्जी टू टर्न विन मेल्स टू पम्प वाटर एंड टू जनरेट एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी सॉरी विंड एनर्जी देखा होगा आपने मतलब एक बड़े बड़े से लगे रहते हैं वो हिलते रहते हैं तो वो किस लिए है? है? होते हैं टू पंप वाटर ऑन द जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ये किसकी वजह से होते हैं विंड एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन कम फ्रॉम बैटरीज ऑन द पावर प्लांट से आती है पावर प्लांट्स बर्न फ्यूल टू मेक इलेक्ट्रिसिटी फॉर होम एंड द जनरेटर फॉर होम एंड द फैक्ट्रीज जो पावर प्लांट होते हैं वो बर्न करते हैं फ्यूल को क्यों इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए किसके लिए फ्रॉम होम और फैक्ट्री के लिए फैंस कंप्यूटर मशीन रेफ्रिजरेटर एंड अदर मशीन यूज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये सब तो हमने घर में ही देखा होगा अपने हाइड्रो एनर्जी क्या होती है मूविंग वाटर एज लॉट ऑफ एनर्जी कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी बहुत सारा वाटर एक साथ मूव कर रहा है उसको लॉट ऑफ एनर्जी चाहिए है. उसको हम कहते हैं हाइड्रो एनर्जी हाइड्रो एनर्जी मतलब पानी मूविंग वाटर दिस एनर्जी इज हार्वेस्टेड बाई बिल्डिंग डैम्स ऑन रिवर तो जो वहाँ की बिल्डिंग डैम्स हैं वो हार्वेस्ट मतलब लिए गए हैं कहाँ से रिवर में से लिए गए हैं डैम्स मतलब का कहते हैं ना कि वो डैम्स को काट देते हैं तो पानी निकलता है डैम्स अलाउ द वाटर टू फॉल फ्रॉम ग्रेट हाइट एंड विद द ग्रेट फोर्स ऑन टू टर्बाइंस क्रिएटिंग एनर्जी दिस एनर्जी फ्रॉम द वाटर इज यूज टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी तो वो जो एनर्जी होती है वाटर की वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनाने में हेल्प होती है एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड जो एनर्जी है ना कभी हम उसको बना सकते हैं ना कभी हम उसको खत्म कर सकते हैं बट इट इट कैन ऑनली बी ट्रांसफर फ्राम वन थिंग टू द अनदर ट्रांसफर फ्राम वन फॉर्म टू अनदर बट ये ट्रांसफर हो सकती है फ्राम वन थिंग टू अनदर और ट्रांसफर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फर्स्ट है द एनर्जी प्रेजेंट इंड मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड जो मूविंग ऑब्जेक्ट में होते हैं उसको कौन सी एनर्जी कहते हैं कैनेटिक एनर्जी अ डैश इज अ रैप अराउंड द पोल क्या है Screw होता है स्क्रू होता डैश एनर्जी स्टोर्ड इन फूड कौन सी एनर्जी स्टोर करी जाती है फूड की फॉर्म में केमिकल एनर्जी डी डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीनरी कौन सा है पुली वो जिसमें पुल से खींचते हैं वी है चीज वेन वी रैप रबर हैंड टुगेदर जब हम अपने हाथ दोनों मसलते हैं डैश इज प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस होती है हीट प्रोड्यूस होती है गर्म हो जाता है ना हाथ तो हीट प्रोड्यूस होती है लिवर kind of का, का है हमने देखा कि एक तरफ बीच में होता है उसको रोकने के लिए फिर एक तरफ होता है एक रॉड होती है उसमें हमने ये सब देखा था डैश इज हेल्प अस टू लिफ्ट थिंग्स कौन सी है पुली डैश वी कैन मेक डैश बाय मेकिंग थिंग वाइब्रेट कौन सी है कौन सी कर सकते हैं साउंड से सो हे आर द फिलप्स नेक्स्ट आर ट्रू फॉल्स नीड टू मेक एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव फोर्स चाहिए होती है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करने में ऑब्वियसली कोई uh, रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसको मूव करना है तो फोर्स चाहिए होगी ट्रू अ स्टोन टू द ग्राउंड मोर क्विकली देन अ फैदर जो स्टोन है वो ज्यादा तेज गिर सकता है एज क्विकली टू द फैदर ट्रू पुशिंग एंड पुलिंग आर नोन असिंग और पुलिंग को फोर्स कहते हैं फॉल्स एज वी गो थ्रू गो फर्दर अवे फ्राम द अर्थ ग्रेविटी गेट स्ट्रॉगर अगर हम अर्थ से दूर जाते हैं ग्रेविटी जो है स्ट्रॉगर हो जाती है फॉल्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द मून इज़ वीकर दैन द फोर्स ऑफ अर्थ फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो वीकर है ऑन द मून पे एज कंपेयर टू द अर्थ